फ्रेंड्स, मेरी वीडियो की टॉपिक आज है डहेलिया फ्लावर, लेकिन मैं आज वीडियो की शुरुआत पिटूनिया फ्लावर से करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखें, पिटूनिया में भी अभी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, इसमें भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और इधर ये पर्पल कलर का है, स्टार शेप में दोनों हैं, तो इसमें भी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो फ्रेंड्स, मैं एक ख़ास चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि नेचर हमें हमेशा कुछ ना कुछ गिफ्ट भी देते रहती है। तो फ्रेंड्स, ये मैं दिखाना चाहती हूँ कि ये एक ही कलर की पिटूनिया है, लेकिन इसमें देखिए डिफरेंट कलर के फ्लावर्स निकले हैं, ये देखिए। और इसमें और भी हैं, यहाँ पर देखिए, ये भी कुछ अलग है, और एक यहाँ है, तो ये भी कुछ अलग ही निकला है, फ्लावर्स अलग कलर निकल कर आए हैं। तो हमें प्रकृति अपने आप ही गिफ्ट देते रहती है। और इसमें भी ऐसे कहिए तो इस कलर के हैं पिटूनिया, लेकिन यहाँ देखिए इसमें भी कुछ इस तरह के फ्लावर्स निकल कर आए हैं। अब हम डहेलिया के ऊपर अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, डहेलिया में एक बार फ्लावरिंग होकर अब ख़त्म हो गई है, तो मेरी एक फ्रेंड्स ने कहा था इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ डहेलिया की देखभाल के बारे में। तो डहेलिया से अभी हम लोग दोबारा से भी फ्लावरिंग पा सकते हैं। तो अगर आपके डहेलिया में कलियां बन रही हैं, तो आप दोबारा से उससे फ्लावरिंग थोड़ी सी केयर कर ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें गुड़ाई करनी होगी, और गुड़ाई कर उसे फर्टिलाइज करना होगा। तो फर्टिलाइज़र के रूप में अगर गोबर की सड़ी हुई खाद है तो उसे दें, और नहीं तो बर्मी कम्पोस्ट है आप दे सकते हैं। बनाना पिल्स का भी लिक्विड फर्टिलाइज़र आप बनाकर दे सकते हैं, और मस्टर्ड खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी डालते रहें। और अगर आपके डहेलिया में इंसेक्ट या फंगस वगैरह का अटैक हो, तो इंसेक्टिसाइड्स और फंगिसाइड्स का स्प्रे करते रहें। अगर आपके पास फंगिसाइड्स हो तो पानी में डाइल्यूट कर स्प्रे कर दें, सांप का फंगिसाइड या मिराकुलान हो तो वो भी पानी में डाल। और डहेलिया में पानी ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि अभी गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो पानी का ध्यान रखना चाहिए। दोनों टाइम हो सके तो पानी डालें उसमें, और दोपहर की धूप से बचानी चाहिए। पानी कम देने से प्लांट्स जो है वो झुक जाता है, इससे प्लांट्स पर बैड इफेक्ट पड़ता है। और कुछ दिनों के बाद जब इसमें फ्लावरिंग ख़त्म हो जाएगी, तो इसमें जो बल्ब बने होंगे, तो उसे अगर हम लोग संभाल कर रख लेंगे, तो फिर ये नेक्स्ट सीजन में काम करेगा। और अगर हम लोग प्लांट्स को बचा कर रख सकते हैं, तो वह मदर प्लांट्स के रूप में आपको काम आएगा। उसके कटिंग से फिर आप नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मार्च का ये महीना है, तो इन दिनों हम इसी तरह से डहेलिया की केयर कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और मेरे चैनल में जो नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन्स को जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बाय बाय।